आपको बताना चाहूँगा कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की टीम में शामिल है श्री देवेंद्र चौहान, सुनील यादव, श्री अमित विकास शर्मा और नाथ मैनेजर है कमलेश परिहार जी और श्री रविंद्र जी अंपायर हैं। दूसरे अंपायर हैं श्री हमने दो पुल बनाए हैं चार चार टीमों के, तो उसमें ये 2 तारीख से स्टार्ट होगा और 9 तारीख को 8 को सेमीफाइनल और 9 को फाइनल। क्या कुछ प्राइज बनी भी है? हाँ, इसमें जो हमारी विनर टीम है उसका 2 लाख रुपया और रनर अप का 1 लाख रुपया। इंडिविजुअल प्राइज कुछ कुछ और इंडिविजुअल प्राइज कुछ हमारी कंपनियाँ जो हम दे रही हैं, जैसे कैन स्टार आए वो उनको सबको एक एक जो विनर टीम को वन दे रही हैं और रनर अप टीम के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ और प्राइजेस हो जाएँ। कुछ स्पोर्ट्स कंपनी भी प्राइजेस दे रहे हैं अपने बैग्स वगैरह वो सारे हम कुछ स्पोर्ट्स को देंगे। कितनी टीम है इसमें, कौन कौन सी टीम खेल रही है? इसमें हमारे पास जो 8 टीमें, हमने 2 पुल बनाया, 1 पुल में जो हमारा है ये दिल्ली 11 और ONGC और दूसरी टीम है हमारी इसमें एयर इंडिया और नामदार इलेवन। पहले दिन 2 मुकाबले किस किस के? पहला हमारा जो आज 2 तारीख को हुआ, पहला मुकाबला ONGC वर्सेस दिल्ली 11 का और जिसमें ONGC ने विनर किया 5-2 में। और नेक्स्ट अभी जो चल रहा है उसमें दूसरे ग्रुप का इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और उसके साथ पंजाब नेशनल बैंक का जो मैच अभी चल रहा है। सेमीफाइनल कब खेला जाएगा? सेमीफाइनल 8 तारीख को खेला जाएगा जिसमें पहला सेमीफाइनल 1 बजे और दूसरा सेमीफाइनल हमारा 3 बजे फाइनल 9 को और फाइनल 9 को होगा जो दूरदर्शन टेलीकास्ट कर रहा है, जिसमें हो सकता है वो हमारा 12:30 या 12 o'clock फाइनल का होगा। इसमें विजय गोयल जी हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं तो इसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हमारे स्पोर्ट्स फाइनल। शास्त्री फैमिली सारी इन्वॉल्व है इसमें, अंदर शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी के लड़के हैं जो फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं और सुनील शास्त्री जी वो भी मिनिस्टर रहे हैं, वो भी हैं हमारे स्कॉडनरी कौन चौधरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो 4 टाइम 4 टाइम हमारे छात्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं जो हमारे सारे लोग। हाँ जी, कमल चौधरी सर, स्कॉडनरी कमल चौधरी, तो इसलिए ये सारे लोग हमारे साथ सारे हमारे टूर्नामेंट के अंदर आज रिपेंडली आते हैं। सर, महिलाओं का खेलों में बहुत अच्छा योग रहा है, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आपके भी इस टूर्नामेंट में कोई महिलाओं की टीम शामिल कर पाएगी? इस बार तो नहीं है, लेकिन हम दिसंबर में एक टूर्नामेंट करा रहे हैं जिसमें दिल्ली के स्कूल के बच्चों की हमारे टीमें खेल रही है, उसमें हम स्कूल की लड़कियों का टूर्नामेंट भी है, उसमें लड़कों का भी टूर्नामेंट है जो 16 दिसंबर से 23 दिसंबर तक हमारे पास जहाँ हमने शिवाजी स्टेडियम में खेला। एज ग्रुप क्या रहेगा सर? एज ग्रुप अंडर 16 है। कितने टीमें पार्टिसिपेट हैं उसमें? हमारे हमने 8-8 टीमें ली हैं, 8 लड़कियों की टीमें ली हैं, 8 लड़कों की। थैंक यू सर।